हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी दोपहर का टाइम है, घर पे ही हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में जिम गया था और आज मंडे है। एनर्जी मंडे के दिन अच्छी खासी रहती है, इसलिए आज लेग वर्कआउट सेशन किया था। वो सूट तो नहीं कर पाया मैं, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में गया था और फटाफट करके आ गया था, टाइम नहीं मिला था। तो अभी फिलहाल लंच वगैरह सारा कुछ हो गया है, और अभी एक काम जो बचा था मैंने आप लोगों को बताया था। एक यहाँ पे एसी है, उसको लगाना है। तो उसके लिए दिक्कत क्या है, मेरे पूरे घर में तो वायरिंग है अच्छी वाली, लेकिन थोड़ा सा वायरिंग तो है पूरे घर में, लेकिन हल्की वायरिंग है जिसमें वो एसी का लोड तो ले नहीं पाएगा। इसलिए अभी करना क्या है मुझे, ये पूरे जितने भी, ये पूरा बाहर से लेके, काफी घर काफी लंबा है, पुराना है, काफी लंबा है, तो बाहर से लेके अंदर तक पूरे में मुझे डबल वायर डालने पड़ेंगे, और वो भी होंगे 2.5 mm के, जो कि एसी का लोड ले पाए। फिलहाल कस्टमर केयर वालों को कॉल कर दिया है, तो जो लोग इसको क्या बोलते हैं इंस्टॉल करते हैं, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आने वाले थोड़ी देर में। तो फिलहाल तब तक ये काम मुझे ही करना, क्योंकि वो तो ये करेंगे नहीं। तो फिलहाल मैं हेल्प ले लेके पूरे घर में वायरिंग डाल देता हूँ। इसके बाद कहाँ कैसे फिट होना है मैं सारा आप लोगों को दिखाऊंगा, और बने रहिए ब्लॉग। ये पूरा सामान एसी का आया है अलग से 5,000 का, अभी भी इसमें आधा सामान आ नहीं पाया है। और वायर वगैरह लेके आया था मैं अच्छा वाला, और फटाफट इसको चलो फिटिंग करते हैं। ये अपने पास वायर है, अब इसको मुझे डालना कहाँ से, वो अपना वहाँ बोर्ड लगा हुआ है एनसीबी का, वो पूरा ये रूम लेके फिर ये रूम पे आएगा, फिर ये अपना ये पूरा, फिर अपना ये पूरा हॉल का एरिया आएगा, उसके बाद एक कमरा है अंदर, उस कमरे के अंदर मेरा कमरा वहाँ तक जाएगा, तो काफ़ी लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलो फिलहाल जो भी है करते हैं, इसको फटाफट डालते हैं। फाइनली भाई लोग आ गए, अभी यहाँ पे एसी सेट होगा, जो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं करूँगा इसके अंदर, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा, तो अभी ऊपर सेट करेंगे ये लोग। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, एसी तो निकाल ही लिए हैं बाहर। हाँ, वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ कई बार, एक बार फिर भी कर दो तुम। चलो यार ये बताओ कितना इसमें आएगा बिल, लगभग आइडिया कितना बिल आएगा अगर 4-5 घंटे चलेगी तो? बिल का तो सारा नहीं आइडिया, हमारे घर में खुद एसी नहीं लगी, सिर्फ हम कॉल करते हैं। अच्छा चलो, ये पाइप ये आपका आउटडोर? हाँ पाइप मैं बता दे रहा हूँ, आउटडोर यहाँ पे रखना है। ये पाइप यहाँ से आके ये यहाँ पे ऊपर जाके, ये जो पिलर है इसके साइड में लगेगा आउटडोर। हाँ ये यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। पाइप बढ़ेगा आपका, पाइप बढ़ेगा। राइट हैंड साइड वाला थोड़ा चढ़ा लग रहा है क्या? इनलेट का तो अपना पूरा काम हो गया है, वायर एक्सटेंड हो रहा है, पूरा प्रॉपर अच्छे से पूरा काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर आउटलेट, उसको देखेंगे कंप्रेसर कैसे सेट किया जाएगा। और वोल्टास की सर्विस तो पता नहीं, लेकिन इन लोगों का काम काफी सही है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का देखते हैं। अरे कभी नहीं गिरेगा यार, ये तो नहीं गिरेगा। आउटलेट अपना फिट हो रहा है यहाँ पे, दो दो पाइप हैं दोनों जगह पे। छोटे वाले से यार वापस आती है? हाँ, नहीं बड़े वाले से, क्वार्टर से रनिंग होगी पूरी, आउटडोर से बैक। आउटडोर का अपना पूरा काम हो गया कंप्लीट, अभी फाइनली गैस खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे लीकेज। झाग बना के रख लिए हैं, लीकेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर लाइट आएगी तो चेक करेंगे भैया कूलिंग हो रही है कि नहीं। ये कनेक्शन बाकी है, ये वायर थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया था, 1 मीटर एक्स्ट्रा है ये भी। नहीं नहीं सही है, चलो इसको यहीं पे छोड़ दो, इतना जितना एक्स्ट्रा हो काट दे, काटो मत, इसी में लगा रहे। वही तो हम बोल रहे हैं, हाँ इसको रहने दो, क्या दिक्कत है, अंदर अंदर तो जाएगा नहीं ये, इसको ऐसे ही बस छोड़। हाँ इसमें रख दो, इसमें गिरा दो, लीकेज यहाँ का भी चेक किए ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सही से चेक करना यार दोस्त, हो तो बता देना, तुम्हें को कल नहीं आना पड़ेगा। रेडी? ले पकड़ो, ए आओ अपने सुबह हाथों से लगाओ, इसमें हल्दी चावल चालू करो, आओ फटाक से आओ आओ, छेने लगा दो भाई, छेने लगा दो। चला है, चला है।
कंपन कर रहा है और दम न फाइनली दोस्तों, कल मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया था, काफ़ी टाइम हो गया था लगते लगते, और अभी ये मैं लड्डू खा के निकल रहा हूँ जिम के लिए। और करते क्या, बहुत सारे लोग जो जिम जब वो करते हैं तो अपनी डाइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते, और जब वो जिम छोड़ देते हैं तब सोचते हैं चलो आज जिम नहीं गए, आज कुछ खा पी लेता हूं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप जिस दिन जिम नहीं गए आपकी वो कैलोरी आपकी बॉडी में बढ़ी, और जो आपने एक्स्ट्रा जंक सब फालतू खाया पिया वो कैलोरी आपकी बॉडी में बढ़ी, तो आपका जो बॉडी वेट है वो दुगना तेज़ी से बढ़ेगा। तो नॉर्मल आप जो भी खाते पीते हैं खाते पीते रहिए, पराठा वगैरह कभी कभी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल ये लड्डू खा के जिम के लिए मैं निकल रहा हूँ और फटाफट चलता हूँ यहाँ से जिम, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, आज काफ़ी लेट हो गया। कुछ अपना बैक और बाइसेप का सेशन है तो हल्का हल्का दोनों एक एक दो एक्सरसाइज करके हम लोग फटाफट वापस आते हैं। अब जिम थोड़ा डेकोरेट हो गया है, फ़ैन वगैरह अभी फ़िलहाल तो दो लगे हैं, एक ये ख़राब हो गया रखा हुआ है, इसको भी फिट करना है। आप इसकी तो अपने को ज़रूरत है नहीं कुछ खास, पूरा ये खाली है, अभी आके मैंने इसको ओपन किया, अभी फटाफट अपने हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो भी है, करीब आधा पौन घंटा में अपनी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। और स्टैंड तो आज मैं ला जा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को एक्सरसाइज शायद ना दिखा पाऊँ, कहीं इधर उधर रख के अगर मैनेज होगा तो मैं मैनेज कर दूँगा। फाइनली अपनी बैक की वर्कआउट ख़त्म हो गई, और आज खास बात यह है कि मैंने बैक की जो भी एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि एक्सरसाइज जब मैंने यहाँ पे इस चीज़ पे की थी तो ये मैं पहले कभी नहीं करता था, लेकिन होता क्या है ना, आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज को 2 से 3 महीने के बीच में एक्सरसाइज में कुछ चेंजेस करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को उन्हीं सारी एक्सरसाइज की हैबिट लग जाती है। इसकी वजह से आपको कोशिश करना है कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें, ताकि आपकी बॉडी उसी चीज़ की एडिक्ट ना हो जाए और बॉडी में थोड़ा सा अच्छा पंप आए और आपकी मसल ग्रो हो। फाइनली अपनी बैक की एक्सरसाइज यहीं तक थी और अपना वर्कआउट सेशन आज का ये ख़त्म हो गया है, और ब्लॉग भी आज का यहीं से ख़त्म हो रहा है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं आप, और आगे के ब्लॉग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।